दोस्तों, क्या आपने मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया या पुरुषों में महिलाओं जैसे स्तन होना सुना है? मुझे लगता है अगर मेरे पुरुष दोस्त आज का ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बारे में जरूर सुना होगा, और हो सकता है कि आप या आपका कोई दोस्त इस समस्या से परेशान भी हो। हमें पता है कि इस समस्या के कारण एक पुरुष को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, आप टाइट टी शर्ट नहीं पहन पाते, आपको स्विमिंग पूल में कपड़े उतारने में शर्म आती है। इसकी वजह से आप एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाती और आपकी शादी में भी इसी कारणों से अड़चने आने लगती है। हो सकता है कि आपने इससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश भी की हो, जैसे कि आपने जिम जाना शुरू किया हो और चेस्ट की एक्सरसाइज भी शुरू की होगी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, निराश ना हो, आज के इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ और पाइए अपने सभी सवालों का जवाब। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हीन भावना तो निकल ही जाएगी, और तो और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा इस परेशानी का परमानेंट सोल्यूशन। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके इलाज के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता डायनोक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। डायनोक हेल्थ आपको साइंटिफिकली मैन सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पुरुषों में और महिलाओं में स्तन का विकास समान तरह से ही होता है, पर पुरुषों में एस्ट्रोजन के साथ ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 नाम का केमिकल भी स्तन के विकास के लिए जरूरी होता है। पुरुषों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बीच एक बैलेंस बना रहता है, पर कई बार ये बैलेंस किसी कारण से गड़बड़ा जाता है और पुरुषों में स्तन बढ़ने लगते हैं। ब्रेस्ट की इस ग्रोथ में फैट भी हो सकता है और ब्रेस्ट मिलिंग भी। सामान्यतः पुरुषों के जीवन में 3 स्टेज पर ब्रेस्ट बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है जन्म के तुरंत बाद, दूसरा किशोरावस्था या प्यूबर्टी के समय, और तीसरा बुढ़ापे में 60 साल की उम्र के बाद, और तीनों स्थिति में ही यह एक सामान्य स्थिति है। जन्म के बाद और किशोरावस्था में होने वाला गायनेकोमेस्टिया कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन के इन 3 पड़ावों पर शरीर में हॉर्मोन्स का बदलाव होता है और इसलिए ब्रेस्ट में ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। तो असल में मुख्य कारण है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल का गड़बड़ होना। दोस्तों, आजकल मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया की समस्या भी काफी कॉमन हो गई है। जहां ये समस्या दिखने में खराब लगती है, वहीं ये समस्या किसी कैंसर जैसी ग्रोथ की तरफ भी इशारा कर सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं कि किन कारणों से शरीर के हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और गायनेकोमेस्टिया होता है। इनमें सबसे पहला कारण है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आपका वजन आपकी उम्र और हाइट के हिसाब से ज्यादा है तो आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। ऐसे में इसे सूडो गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, क्योंकि अक्सर मोटापे की वजह से ब्रेस्ट में ज्यादा फैट जमा हो जाता है और गायनेकोमेस्टिया का रूप ले लेता है। यानी यहाँ ब्रेस्ट में सिर्फ फैट बढ़ता है पर ब्रेस्ट टिश्यू और ग्लैंड नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे सूडो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसके अलावा कई दवाइयां भी गायनेकोमेस्टिया का कारण बनती है, जैसे कि स्टेरॉइड, जो अक्सर जिम में जाने वाले युवा इस्तेमाल करने लगते हैं। हार्ट के लिए ली जाने वाली दवाएं, शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालने वाली दवाएं, दिमागी बीमारी के लिए ली जाने वाली मेडिसिन, खून पतला करने वाली दवाएं, एड्स या HIV की दवाएं, कुछ एंटीबायोटिक्स, नशे की चीजें जैसे कि मरिजुआना या गांजा, एम्फिटामिन, हेरोइन भी मैन बूब्स का कारण बनती है। जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की गांठ, थायराइड, लिवर और किडनी की बीमारी की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा पुरुषों के अंडकोश यानी टेस्टिस में होने वाले कैंसर से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स के टेस्ट
और वेज की सोनोग्राफी। इन सभी इन्वेस्टिगेशंस के बाद इलाज डिसाइड किया जाता है। और इलाज के लिए सबसे पहले कारण का जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज के लिए सबसे पहले उस बीमारी का इलाज किया जाता है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो रहा है। अगर किसी दवा की वजह से ऐसा हुआ है तो उसे बंद किया जाता है। दवा के बंद करने के एक महीने में आपको गायनेकोमेस्टिया पर असर दिखने लगता है। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन के यूजली 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में हल्का उभार होता है, निप्पल की साइज बढ़ जाती है और ब्रेस्ट एक गोलाकार शेप ले लेता है। ग्रेड 2 में पुरुषों में स्तन महिलाओं के स्तन की तरह दिखने लगते हैं। ज्यादातर मरीज इसी ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया लेकर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। ग्रेड 3 में स्तन बिल्कुल महिलाओं के स्तन की तरह दिखने लगते हैं। या सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू ही नहीं बल्कि स्किन भी इस ग्रेड में बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे पफी निपल कहते हैं, जहां से निपल वाला भाग उभरा हुआ होता है और ये निपल की साइज वातावरण के तापमान के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। ऐसा निपल में पाए जाने वाली नर्व्स की सेंसेशन की वजह से होता है। दोस्तों, अगर किसी बीमारी की वजह से गायनेकोमेस्टिया हुआ है तो उस बीमारी का इलाज शुरू किया जाता है, और अगर उस बीमारी के इलाज से मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया में कोई फायदा नहीं हो पाता है, या गायनेकोमेस्टिया को 6 महीने से ज्यादा हो गए और आपके गायनेकोमेस्टिया की ग्रेड 2 या 3 है, तो आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। आपको किस तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ये आपके गायनेकोमेस्टिया की स्टेज पर निर्भर करता है। स्टेज 2 और 3 में ऑपरेशन ही इलाज होता है। पफी निपल में मुख्यतः ग्लैंड बढ़ जाता है जिसकी वजह से निपल एक पफी शेप ले लेता है। इसके इलाज के लिए ऑपरेशन से निपल के किनारों पर चीरा लगा के ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। और अगर मरीज को टेम्परेचर वेरिएशन से ज्यादा सेंसिटिविटी है तो कुछ नर्व्स को भी काट दिया जाता है। इस ऑपरेशन में करीबन आधा घंटा लगता है। ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाता है और मरीज ऑपरेशन के बाद उसी दिन घर लौट सकता है। जबकि ग्रेड 2 और 3 के लिए मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है, यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और इस ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस ऑपरेशन में फैट, ग्लैंड और स्किन भी हटाई जाती है। इंसिजन निपल के किनारे पे इस तरह लगाया जाता है कि ऑपरेशन के बाद पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन भी हुआ है। ऑपरेशन के बाद आपको टाइट जैकेट पहनाई जाती है। ऑपरेशन के बाद आप अगले ही दिन ऑफिस जा सकते हैं। ऑपरेशन के 1 सप्ताह तक ड्राइविंग के लिए मना किया जाता है, बाइक चलाने के लिए भी मना किया जाता है और वजन उठाने के लिए भी मना किया जाता है। यानी सप्ताह भर तक अपर बॉडी की एक्टिविटी मिनिमम करनी है, यानी बॉक्सिंग आदि एक्सरसाइज भी आपको अवॉइड करनी होती है। पर 7 दिन बाद आप अपना नॉर्मल जिम रूटीन भी फिर से शुरू कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। और अगर आप अपने घर पे बिना बताए भी इसका इलाज लेना चाहते हैं तो भी यह संभव है, क्योंकि इससे ऑपरेशन के बाद पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन भी हुआ है। और ऑपरेशन के दिन या अगले ही दिन आप कुछ एहतियात के साथ घर और अपने काम पर लौट सकते हैं, और इसके बाद आपको ऑफिस से ज्यादा छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस 1 या 2 दिन की छुट्टी में ही आपका काम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है मैन बॉक्स या गायनेकोमेस्टिया पर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसका बेहतरीन ऑपरेशन चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अन्य बीमारियों के लिए भी आप सेम नंबर पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बाल झड़ना भी एक बहुत समस्या बन गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है आसान तरीकों से, तो आप राइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ओके सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।